कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज़ रेडिली ऑब्जर्व दैट. हमने पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन से लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन, के टू कितना है के पी डैश अपॉन के वन कितना है के पी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच डेल्टा एच अपॉन 2.303, ब्रैकेट में लिखेंगे टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. ये रिलेशन होता है आर्हेनियस इक्वेशन से. अब डेल्टा एच पहले से ही नेगेटिव दे दिया, यानी दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव. तो हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टी टू ग्रेटर आएगा देन टी वन, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टी टू माइनस टी वन ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव. प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स लॉग ऑफ के पी डैश अपॉन के पी, ये ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में. तो जब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेसर देन डेनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होता तब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, लेकिन अगर न्यूमरेटर लेसर होता है तब लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आती है. देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है. दिस इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट.